राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रदेश से स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल को किया गया सम्मानित। पंचकुला में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल संस्था द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, समाज के उत्थान के लिए रक्तदान अतिश्रेष्ठ। श्रमिक संगठनों द्वारा दो दिवसीय हड़ताल का प्रदेश में दिखा मिलाजुला असर। बस सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। और पलवल में पीआईबी चंडीगढ़ द्वारा मीडिया वर्कशॉप कार्यक्रम वार्तालाप का किया गया आयोजन। अपर महानिदेशक ने कहा, सरकारी योजनाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पीआईबी और मीडिया के बीच समन्वय जरूरी। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक, अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए वर्ष 2022 के नागरिक अलंकरण समारोह के भाग दो में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। आज के अलंकरण समारोह में प्रमुख व्यक्तित्वों में डॉ. प्रभात्रे और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण प्राप्त करने वालों में अभिनेता विक्टर बैनर्जी, लेखक डॉ. प्रतिभा रे और आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी शामिल हैं। प्रदेश से टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंचकुला में स्वर्गीय श्री अश्विनी गुप्ता की पुण्य स्मृति में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस अवसर पर अपना संदेश वीडियो के माध्यम से भेजा। राज्यपाल ने वीडियो संदेश में इस तरह के सामाजिक कार्य करने की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के उत्थान के लिए रक्तदान जैसे महान कार्य अतिश्रेष्ठ हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ये संस्था 16 वर्षों से समाज सेवा में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि संस्था समाज सेवा के साथ साथ युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा लगाकर उनको नशे से दूर करने का प्रयास कर रही है। हमने उसकी समृति में ट्रस्ट बनाया हुआ है, अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट। उसके माध्यम से हम विभिन्न गतिविधियाँ, समाज सेवा के कार्य वो करते रहते हैं और खेलों को भी प्रोत्साहन देने का कार्य अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रेमजी गोयल ने इस अवसर पर स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता को याद किया। आश्चर्य की बात ये है, मैं चंडीगढ़ में ही था, सेक्टर 18 में किसी कार्यक्रम निमित्त मुझे अश्विनी से बात करने की थी और आज के ही दिन प्रातःकाल लगभग 8:30 बजे शाम को 4 बजे मैंने उनसे बातचीत की। देश और प्रदेश के विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दो दिवसीय हड़ताल शुरू की गई है। हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग के हड़ताल में शामिल होने से कई जिलों में बस सेवा प्रभावित हुई। इस हड़ताल से रोहतक यात्रियों को काफी परेशानियां हुई। रोडवेज कर्मचारी नेता रमेश लौरा ने बताया कि श्रमिक संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यह हड़ताल की है। पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 2 दिन की स्ट्राइक और उसका असर हरियाणा के अंदर और हरियाणा में रोडवेज के अंदर पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा का चक्का जाम है। रोहतक बस स्टैंड पर आए यात्रियों ने बताया कि उन्हें हड़ताल के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि रोडवेज बसों के न चलने से हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे को गुड़गांव जाना था, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ जिसके ड्यूटी के लिए जाना था, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि बस ही नहीं चल रही है, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अभी ड्यूटी तक भी टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। इन्होंने पहले भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि यहाँ पे बस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, स्ट्राइक भी पता नहीं था मुझे। इन्होंने बोला कि बाहर मुझे मिल जाएंगे मगर ये नहीं कि प्राइवेट बसेस मिलेंगे या गवर्नमेंट,
यही कि अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया करो ताकि हम सभी को पता चल जाए, जो कि हमें नहीं पता था। मुझे यहाँ पे आके अभी आप लोगों से पता चला। सर मेरे को ना आज बाहर जाना था, तो मैं जैसे बस स्टैंड पर आया मुझे पता चला कि आज रोडवेज की हड़ताल है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक भी रोडवेज की बस नहीं चली, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं आज रोहतक बस अड्डे पे पहुंचा था, मेरे को गुड़गांव को जरूरी काम से जाना था, मगर यहाँ आके पता चला है कि बसों की स्ट्राइक है। पहले या तो पहले कॉल कर देनी चाहिए कि भाई आज या कल बसों की हड़ताल है, आम लोग इसमें परेशान ना हो। आज पलवल में प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लघु सचिवालय में मीडिया वर्कशॉप कार्यक्रम वार्तालाप का आयोजन किया गया। पीआईबी चंडीगढ़ के एडीजी राजेंद्र चौधरी और उपायुक्त कृष्ण कुमार ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। सब लोग मीडिया से जुड़े हो, हम भी समाज में देखते हैं। पहले जब हम बच्चे थे तो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन इतना नहीं होता था, इन्फॉर्मेशन का ट्रैवल होना, उसका पेस बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में गति बढ़ी है, ऑथेंटिक न्यूज चलनी चाहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही हमें पब्लिक के साथ शेयर करनी है। आप सब लोग डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर का काम करते हो, आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीआईबी चंडीगढ़ के एडीजी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को आम जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पीआईबी और मीडिया के बीच समन्वय बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पीआईबी की पहुंच राष्ट्रीय या राज्य स्तर तक ही नहीं बल्कि जिला और ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों तक भी होनी चाहिए। देश भर के रूरल एरियाज में खासतौर से छोटे छोटे जिलों के मुख्य स्थानों पर एक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सीधे सीधे प्रशासन और मीडिया के बीच में एक वार्तालाप स्थापित किया जा रहा है। मुख्य मकसद ये है कि हमारी जो योजनाएं राज्य सरकार के जरिए क्रियान्वित हो रही हैं, उनके प्रावधानों के बारे में जनता तक आवाज़ पहुँचे, जनता तक उनकी जानकारी पहुँचे और मीडिया को उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, अच्छे से उसको पता हो, जिससे कि जब वो इसके बारे में लिखें तो वो पूरी जानकारी के साथ लिखें, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लिखें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लिखें और इसके जरिए फिर जो आम व्यक्ति उन अखबारों को पढ़ता है, उन टीवी चैनल्स को देखता है, उसको पता लग सके कि मेरे जिले में ये योजनाएं सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि नई शिक्षा नीति से जगत में नया परिवर्तन आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने बताया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे सरकार का, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे के शुरू से लेकर प्री नर्सरी से लेकर जो 3 साल का बच्चा है उसको 18 साल तक प्लस टू तक मतलब शिक्षा दी जाएगी और स्किल के ऊपर उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। गोवा में भाजपा नेता प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पणजी के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रमोद सावंत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अलावा 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सूरजकुंड मेले में आए डोमिनिक रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, चिली, पेरू, पनामा और जमैका सहित कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इन विदेशी प्रतिनिधियों ने आज मेले में भाग लिया और इन्होंने मेले की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों ने भविष्य में भी सूरजकुंड मेले में सहयोग करने पर सहमति जताई है। और बायलेटरल रिलेशंस हमारे कैसे मजबूत बने, इस पर खुलकर के चर्चा हुई है। खास करके ये जो मेला है, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला 35th, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया है और इसको बहुत सराहना की गई है और आगे के लिए भी इसमें भरपूर सहयोग करने की बात इन्होंने कही है। तो इस प्रकार की मीटिंग्स का दोनों तरफ, उन कंट्रीज को भी और हरियाणा को भी बहुत बड़ा लाभ होगा निश्चित रूप से। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इस तरह की जो शुरुआत की है वो काफ़ी सराहनीय है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने काम करके दिखाया है और अगर हरियाणा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मुझे हद से ज़्यादा उत्साहित हूँ मैं और प्रसन्नता है कि मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो काम किया जा रहा है हरियाणा में
और दिल्ली के साथ इतनी नजदीकी है कि वो देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा, क्योंकि जब राज्य आगे बढ़ते हैं तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ता है और हरियाणा ने ये करके दिखाया है। तो चाहे वो खेलों का विषय हो, तो जमैका के साथ अगर आपकी कोलैबोरेशन होती है और हरियाणा अधिक मेडल लेता है तो भारत खुद ब खुद ज़्यादा मेडल लेगा और बेहतर एथलीट्स पैदा होंगे। विदेशी प्रतिनिधियों ने प्रदेश और हरियाणा सरकार की तारीफ की। डोमिनिक रिपब्लिक के राजदूत ने बताया कि वे पहली बार सूरजकुंड मेला देखने आए हैं और ये दौरा दोनों पक्षों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं आज बहुत खुश हैं क्योंकि पहली बार है कि मैं सूरजकुंड मेला देखूंगा और या बेतक हमारे संबंधों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। We just met the Latin American and Caribbean countries with the Chief Minister of Haryana. We were very happy to receive his invitation to attend the Surajkul Mela, and we discussed about cooperation opportunities between the Latin American Caribbean countries and Haryana. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा नामक कार्यक्रम के तहत परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के साथ 1 अप्रैल को सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव, पढ़ाई, परीक्षा, करियर और अन्य से संबंधित सवालों के जवाब देते हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में इस बार जिले से 25 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उपायुक्त ने बताया कि इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को मनोबल ऊंचा रखने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे और परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने संबंधी सुझाव देंगे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी इंदु बोकर ने विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए अपने संदेश में कहा कि हरियाणा के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। प्रदेश की विकास यात्रा में उनका अतुलनीय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा सभी कोविड मानकों के साथ इस वर्ष 30 जून को शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल को शुरू होगा। 43 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होगी। कल जम्मू में राजभवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गंधर्वल जिले में बालताल मार्ग से एक साथ शुरू होगी। प्रत्येक मार्ग से हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को छोड़कर एक दिन में केवल 10,000 यात्रियों को जाने की अनुमति होगी। सरकार यात्रियों के आवागमन पर नजर रखने के लिए RFID प्रणाली शुरू होगी। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रदेश से स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल को किया गया सम्मानित। पंचकूला में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल संस्था द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, समाज के उत्थान के लिए रक्तदान अतिश्रेष्ठ। श्रमिक संगठनों द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल का प्रदेश में दिखा मिलाजुला असर। बस सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। और पलवल में PIB चंडीगढ़ द्वारा मीडिया वर्कशॉप कार्यक्रम वार्तालाप का किया गया आयोजन। अपर महानिदेशक ने कहा, सरकारी योजनाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए PIB और मीडिया के बीच समन्वय जरूरी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और 1 नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।